ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनमेंट कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान है अवार्ड विनिंग यंग एंड डायनामिक एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बोमडिला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट श्री सांगे सिरिंग। सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अरुणाचल प्रदेश की ही नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वेल नोन एंटरप्रेन्योर है, जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसी हुई। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में, मैंने जो मेरा कंपनी हॉलीडे स्काउट 2011 में शुरू किया था, जब मैं सेकंड ईयर में था दिल्ली में। हॉलीडे स्काउट इज अ टूरिज्म इंडस्ट्री एंड इट्स अ ट्रैवल कंपनी। लेकिन मैंने टूरिज्म जब मैं क्लास 10 में था तभी मैंने समझ लिया था कि टूरिज्म ही मेरे को करना है, क्योंकि मेरा जो अंकल है, आई मीन हिस्से में छिंग होंगे, उनका भी ट्रैवल कंपनी का नाम है हिमालयन हॉलीडेज। तो क्या होता था कि लाइक बैक व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, तब हमारे घर में काफ़ी सारा जो यूरोपियन हो गया या फिर अमेरिकन गेस्ट हैं वो हमारे घर में आते थे टू हैव आई मीन डिनर लंच एंड ऑल ना। तभी मतलब उनको देख के एक दिल में एक ख्वाहिश हुआ कि ये जो कर रहे मेरे को भी यही करना है। तो उसी के चलते फिर मैंने आस्ते आस्ते मेरे अंकल को बोला कि मुझे भी सिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। तो क्लास 10 का जो वेकेशन है वहीं से मेरा जो ये टूरिज्म का जो सिलसिला है ये वो शुरू हुआ था। और फिर आस्ते आस्ते जब दिल्ली गया तो सभी को पता है कि दिल्ली में आई मीन लाइफ इज क्वाइट इन पेस। तो उसी टाइम में मुझे कुछ करना था और मेरे को सिर्फ टूरिज्म ही आता था। तो 2011 में मैंने अपना ये हॉलीडे स्काउट जो कंपनी है ये फेसबुक में एक पेज बनाया स्टार्टिंग इनिशियली, और वहीं से शुरुआत हुआ। तो क्या था कि 2011 में एंटायर नॉर्थ से कोई किसी का भी मतलब आपका फेसबुक में आई मीन अपेयरेंस नहीं था, मतलब वो प्रेजेंट नहीं था, उनका पेज हो गया या फिर जो भी हो गया, आजकल तो काफ़ी सारे हैं। तो हमारा जो कंपनी था वो इनिशियली मतलब फर्स्ट ऐसा कंपनी होगा जो फेसबुक में आया। तो आस्ते मतलब लोगों ने देखा, फिर वहीं से ही आई मीन लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया और वहीं से ही हमारा जो ये टेक ऑफ शुरू हो गया था। अब बात करते हैं आपकी बचपन कहाँ बीती और कैसी रही। मैंने क्लास 3, वैसे तो मैं बोमडिला का हूँ, क्लास 3 तक मैं बोमडिला में था, उसके बाद में फिर क्लास 4 से लेके 8 तक मैं दिरांग में हॉस्टल में था, सेंट लोपन इंग्लिश स्कूल पे। उसके बाद फिर मैं 9, 10, 11 बोमडिला में था, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल पे। फिर क्लास 12 जो है मैंने तेजू में किया, लोहित डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद फिर वहाँ से फॉर हायर एजुकेशन मैं दिल्ली गया, DU में अपना ग्रेजुएशन किया। फिर वहीं से ही ये टूरिज्म जो PG है वो मैंने YMCA से किया। हम बात करेंगे फिर से हॉलीडे स्काउट की, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। हॉलीडे स्काउट जो है ये हमारा ये ट्रैवल कंपनी है, आई मीन हम लोग ज़्यादातर जो टूर पैकेजेस हैं टूर पैकेजेस में ही डील करते हैं। अभी जैसे इनबाउंड हो गया, इनबाउंड का मतलब होता है जैसे आई मीन बाहर देश जो लोग आते हैं इंडिया में उनको घुमाना। तो लेकिन हमारा जो USP है जो हम स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट पे ही करते हैं, ओनली इन 7 सिस्टर्स में से किम भी नहीं करता, ओनली इन 7 सिस्टर प्लस हम लद्दाख करते हैं। लद्दाख क्यों, क्योंकि जून जुलाई अगस्त में हमारा यहाँ पे ऑफ सीजन होता है ड्यू टू रेन, और लद्दाख में तभी मतलब सीजन होता है जून जुलाई अगस्त के महीने पे। तो इसलिए मतलब और डोमेस्टिक पे जो जैसे कि आप मान लीजिए गुजरात हो या मुंबई दिल्ली, तो वैसे को हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया और लद्दाख में हम कैटर करते हैं जी। टूर पैकेजेस देखे जानना चाहेंगे जब सबसे पहले जब आपको क्लाइंट मिला था कौन थे, याद है कुछ। हाँ जी, आई मीन फर्स्ट गेस्ट तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, इट वॉज 48 डेज टूर, वो जो था लंबा था तवांग सर्किट, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट गेस्ट था। और मैंने आपको जैसे बोला कि मैंने जो है हॉलीडे स्काउट एक फेसबुक पेज से शुरू किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि एक भूटान का एक कंपनी है, उन्होंने मेरा पोस्ट देखा और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि 3 कोरियन मंक्स हैं, 1 मंक और 2 नन, एंड उनको जो है ये बुद्धिस्ट सर्किट करना है, स्पेशली तवांग बेल्ट जो हमारा बोमडिला दिरांग तवांग है, और प्लस में से फिर ये उनको ये लुम्बिनी जो गोल्डन जो ये बुद्धिस्ट सर्किट बोलते हैं हमारा जो इंडिया का बोधगया हो गया, लुम्बिनी, सारनाथ ना, वो सब करना था। और उसके बाद में फिर उनको करना था ये लद्दाख ट्रिप। तो 3 जो कोरियन मॉन्क नंस थे वो मेरा फर्स्ट गेस्ट था जी। तो इस फील्ड में आप एकदम नए नए थे, तो कुछ चैलेंजेस थे, कुछ परेशानियां हुई। अगर आप मुझे चैलेंजेस के बारे में पूछते हैं तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो 15 साल से ही टूरिज्म में था, वैसे क्लास 10 के वेकेशन से ही था। और जब मुझे अपना जब फर्स्ट गेस्ट मिला तो वो एज ए हॉलीडे स्काउट के लिए वो फर्स्ट गेस्ट था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जो गाइडिंग का वो तो मेरे पास में पहले से ही था। तो उसमें मुझे मतलब एक्साइटमेंट था कि हॉलीडे स्काउट का फर्स्ट गेस्ट है, पर नर्वसनेस नहीं था उसमें जी। हॉलीडे स्काउट की जब बात करते हैं तो सांगे सिरिंग और हॉलीडे स्काउट के साथ साथ ये भी बहुत पॉपुलर बात है कि आपने स्कूल को पेंट करवाया था, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हाँ जी, आई मीन इन टर्म्स ऑफ हॉलीडे स्काउट ना, हमारा क्योंकि मैंने ये जो टूरिज्म जो है ग्रास रूट से ही मतलब मैंने देखा है। और क्या था कि स्कूल पेंट को लेके अगर स्पेसिफिकली इसी टॉपिक में बात किया जाए, तो मैं जो हूँ मेरे जो 2 गेस्ट हैं कैनेडियन लेडीज थे,
मून एंटीना, मैं उनका नाम अभी भी जानता हूँ क्योंकि दे वर लाइक वेरी इंपैक्टफुल इन टर्म्स ऑफ आई मीन जब हम घूमे थे स्कूल में ना, तो हम विलेज वॉक कर रहे थे एंड देन उनमें से एक जो था वो जो है कनाडा में टीचर थी, तो उन्होंने कहा कि चलो स्कूल जाके देखते हैं। तो जस्ट हम विलेज वॉक करते करते छुक में ही, मतलब एक छुक एक विलेज का नाम है, आई मीन ऑलमोस्ट मैक्सिमम 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दे रहा हूँ, तो वहाँ पे स्कूल में गए तो स्कूल का जो मतलब जो कंडीशन था वो एकदम खराब था जी। और तभी मैंने वहाँ पे जो हेडमास्टर है, बिकॉज इट्स ए मिडिल स्कूल, तो मैंने उनको बोला कि आपके स्कूल का जो भी है कंडीशन उसको मतलब एज अ हॉलीडे स्काउट विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हम स्कूल को रेनोवेट करेंगे। तो उसके बाद में फिर आई मीन और जो मेरा जो गेस्ट था उन्होंने भी कहा कि वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प आई मीन हॉलीडे स्काउट इन ये जो स्कूल को ना बनाने में। तो उसके बाद में वो तो चले गए और जब हमारा जब जून जुलाई का सीजन था तब मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, तो लकीली आई मीन माय फ्रेंड्स वर आल्सो वेरी सपोर्टिव, 10-12 लोग आए, 8-9 दिन पूरा लगातार वहाँ पे स्कूल पे बैठे, स्कूल में पूरा पेंट किया, जो स्कूल का जो सीलिंग है वो ठीक कराया बच्चों के बीच में, क्योंकि जब हम रेनोवेशन कर रहे थे तो बच्चों के बीच में मतलब जो उनका जो पढ़ाई का जो सेशन था वो भी थोड़ा सा बिगड़ रहा था, तो हमने उनको भी मतलब टूरिज्म के बारे में सिखाया, पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा, जीके कॉम्पिटिशन रखा, स्पोर्ट्स का सेशन, मतलब उनको भी अच्छा एक स्पोर्ट्स वीक तरफ में लेके गए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया। और जो सारा का सारा जो स्कूल है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैंने 100% ऑफ स्कूल को ठीक कराया, लेकिन 85% स्कूल जो था वॉल से लेके आपका सीलिंग से पेंट विंडोज वो सब कुछ हमने ठीक कराया वहाँ पे। जब ये काम कंप्लीट हो चुका है एग्जीक्यूट होने के बाद, ये जानना चाहेंगे जो बच्चों में पर्टिकुलरली बच्चों में उनके जो एक्सप्रेशन थे बहुत खुश होंगे, किस तरह के थे? हाँ जी आई मीन देखिए पहला जो था स्कूल का हालात वो था टूटा फूटा सा। उसके बाद में जब हमने जब ठीक कराया तो फिर हमने वॉल में आपका मिक्की माउस से लेके गुफी से लेके जो भी जो कार्टून होता है उन सब का मैंने पेंटिंग कराया। तो फिर क्या हुआ कि ये जो इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी टू द टॉक ना, मैं ये बोलना चाहूँगा कि उसके बाद भी मैं गया आई मीन गेस्ट लोगों को लेके, और तो वहाँ का टीचर जो है उन्होंने मुझे बोला कि आजकल जो है बच्चे, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अभी 15 बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोल रहे कि स्कूल अभी इतना मतलब कलरफुल हो गया कि बच्चे खुद मतलब नहीं ये बोल रहे हैं कि मुझे स्कूल जाना है। पहले था कि कंडीशन ऑपोजिट था कि मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन अब स्कूल मतलब बन चुका है, कलरफुल है, और हमने मतलब वहाँ पे ये बुक्स से लेकर बहुत कुछ वहाँ पे डोनेट किया इन टर्म्स ऑफ लाइक फुटबॉल हो गया, क्रिकेट, बैडमिंटन ना, तो वो सबको भी मतलब लेके विद इन द विलेज एक अच्छा अवेयरनेस फैल चुका था कि उनको भी स्कूल जाना ही है बोल के। सांगे एक टूर ऑपरेटर तो है, बहुत प्रसिद्ध टूर ऑपरेटर, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर और खुद एक ट्रैवलर भी है। वेल आई मीन आई थिंक दिस एड ऑन टू द मेरा जो हॉबी है, क्योंकि हम इतना जगह ट्रैवल करते हैं और मेरा फोटोग्राफी में आई यूजली क्लिक विद माई फोन ओनली, क्योंकि इनिशियली जो हमारा जो USP है विद इन ऑल द टूर्स, वैसे तो हम काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टूर्स करते हैं, लेकिन फोटोग्राफी टूर जो है स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी उसमें आई मीन वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हमारा टाइप ये मैनचेस्टर सिटी, यूनाइटेड, टोटनहैम जो जगह है छोटे छोटे जगह वहाँ का जो ये आई मीन फोटोग्राफी क्लब्स है उनके साथ में टाइप है, तो कभी 2-4-6 लोग मतलब आ जाते हैं, इटली से भी काफ़ी लोग आते हैं फोटोग्राफर्स। और आपको तो पता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में इन टर्म्स ऑफ ट्राइब एंड कल्चर और जो अटायर है और हमारा USP एंटायर नॉर्थ ईस्ट में आप पता नहीं ट्राइब का जो लेडीज है वो आपको मतलब पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सो इट अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ फोटोग्राफर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए मैंने भी उनके साथ में जाके मतलब एक दो इधर उधर कर मतलब फोटोग्राफी का टेक्निक एंड ट्रिक्स वो सीख के मैं ही वही करता हूँ जी। एज अ टूर ऑपरेटर जिस तरह से आपने नॉर्थ ईस्ट को मैग्निफाई किया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को किया, इसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, आपके जुबान से जानना चाहेंगे कि एक दो अवार्ड जो आपके लिए बहुत मायने रखता हो। जी आई मीन थैंक गॉड टच वुड की अभी तक जो भी किया मैंने उसका मतलब काफी मुझे अप्रिसिएशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आप इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से। तो 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है हमारा और अरुणाचल का, उन्होंने मुझे बस अवार्ड दिया था बाय द नेम एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर 2017 को था वो। उसके बाद मुझे फिर ये जो अमेरिका का जो मैगजीन है कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर मैगजीन, ये जो है मतलब अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों में मतलब काफी फेमस है, उन्होंने मुझे 50 पीपल टू नो इन द हिमालय में नाम दिया था, विच वॉज अगेन अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी बिकॉज आई मीन कमिंग फ्रॉम सच अ हम्बल बैकग्राउंड एंड देन ये जो नाम था आई मीन 50 पीपल टू नो इन द हिमालय इट वॉज क्वाइट ह्यूज फॉर मी। और साथ ही साथ मुझे फिर ये जो केयर हिमालय एसोसिएशन है इनका जो ऑफिस है वैसे तो ये हिमाचल में है लेकिन ये पूरा हिमालयन बेल्ट में ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते हैं। तो 2019 में मुझे थिम्पू में बुलाया था भूटान में और वहाँ में मुझे ये जो भूटान का जो होम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी अवार्ड दिया था केयर हिमालय का अवार्ड, क्योंकि अंडर हॉलीडेज का हम काफी सारे इनिशिएटिव करते हैं रिस्पॉन्सिबल को लेके, जैसे आपने कहा कि स्कूल को हमने ठीक कराया, तो साथ ही साथ ऐसा मतलब काफी सारा लिस्ट है जो मतलब हम एज अ स्मॉल कंपनी हम चाहते हैं कि हमारे साथ में जो हमारा जो सोसाइटी है वो भी ग्रो करे। और फिर उसके बाद में इन टर्म्स ऑफ अवार्ड हमने फिर ये रिसेंटली जो ईस्ट मोजो जो है
जो गुवाहाटी बेस्ड मीडिया फर्म है, उन्होंने भी ये उनके तरफ से प्लस ये यंग नॉर्थ ईस्ट हीरो का जो अवार्ड है टूरिज्म सेगमेंट में, वो अवार्ड मुझे मिला था फर्स्ट एडिशन का। और उसके बाद में फिर मुझे ये आइकन ऑफ द एशिया का भी अवार्ड मिला है, आई मीन यूथ में। फिर अभी तो मैं भी भूल गया हूँ ना, अभी एक दो और है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। लिस्ट तो मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसे आप एक युवा है, आपको इतने सारे अवार्ड मिले हैं, आपको आप वेल रिकग्नाइज है, लेकिन दुख की बात है कि अरुणाचल प्रदेश के बात करें कुछ युवा है जो आज नशे की लत से ग्रसित है, तो उन्हें इस लत से किस तरह से बाहर निकाला जाए, आप सोचते हैं कि क्या किया जाए ताकि इस लत से दूर रहे? वेल इन टर्म्स ऑफ अभी देखा जाए तो जैसे अभी ड्रग्स हो गया ना, ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है ये तो एंटायर आपका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ हर जगह है, नॉट ओनली अरुणाचल लेकिन एंटायर नॉर्थ ईस्ट पे। तो अभी ड्रग्स को लेके क्या है कि अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मतलब जिनको 100% लग चुका है, लेकिन जो यूथ है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे अवेयरनेस दिलाया जाए, तो इसमें मतलब पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल होगा। क्योंकि अभी हमारा जो ये जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ऑल दो यहाँ मतलब 26 मेजर ट्राइब्स है, और आप मान लीजिए जैसे कि वेस्ट में अभी बुद्धिस्ट हो गया या फिर हिंदू हो गया या फिर क्रिश्चन हो गया, तो हमें मतलब मुझे लगता है काफ़ी सालों को ये चीज़ नहीं भी लग सकता है, मुझे ये चीज़ लगता है कि अगर हम अपने रिलीजियसली अगर कनेक्ट हो, प्लस अगर हमारा एम और पेशन है वो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो थ्रू आवर पेरेंट्स, इसको अगर प्रॉपरली नर्चर किया जाए तो मतलब हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनको मतलब ये ड्रग्स से हम दूर रख सकते हैं। ये मतलब ये मेरा सोच है कि रिलीजन जो है मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग एक रोल प्ले करेगा, और प्लस पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स विल ऑलवेज लुक आफ्टर देयर किड्स। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, आप वेल रिकॉग्नाइज है, और इसी तरह आपकी तरह अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स है, कुछ कंपटीशन होती है कि मुझे बेस्ट करना है, इससे बेहतर करना है, वो तो कुछ इस तरह के कुछ होते हैं कंपटीशन? तो विद इन माई सेल्फ तो वो तो हर दिन होता है क्या कि मुझे और अच्छा करना है और अच्छा करना है, लेकिन अगर आप देखा जाए जैसे मास में ना, तो अरुणाचल में अगर मेरे जो फील्ड इसमें आप देखा जाए तो मतलब यूथ जो है इतना मतलब उभर के नहीं आ रहा। ऑल दो हाँ अभी जो है इन फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स आफ्टर कोरोना काफी सारे यूथ लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है जो भी जो फाउंडर है या फिर जो भी प्रोपराइटर है या फिर जो भी पीपल द पर्सन हु वांट्स टू बी इन दिस लाइन, उनको थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा। अभी मान लीजिए जैसे कि बात ये है कि जो मेरा जो सीनियर्स है तो वो लोग ही मुझे बोलते हैं कि फॉर देम जब वो लोग कर रहे थे तो उनका कॉम्पिटिटर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स जब तक मैं नहीं आया तो कोई था नहीं। तो सिमिलरली अभी मैं भी 2011 से हूँ इस फील्ड पे, लेकिन मुझे भी नहीं लग रहा है कि मतलब मेरा कॉम्पिटिटर कोई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आई एम डूइंग द बेस्ट, लेकिन मुझे ये फील होता है। अगर आप देखा जाए तो अलग जगह से तो जो मेरे एज है और या फिर जो मेरे से छोटे वो काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन एंटायर अरुणाचल में ना हमारा जो मेन जो सोच है प्लस जो पेशेंस चाहिए ना वो जो काफी लेक हो रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि मतलब ओवरनाइट तो नथिंग टर्न्स इनटू गोल्ड ना, आपको थोड़ा टाइम देना होगा और दिल से देना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए ना। अगर आपको ए चाहिए तो आपको पूरा फोकस करके उसी में ही टिकना होगा पूरा। टूरिज्म की बात करते हैं तो आपने इंटरनेशनल टूरिस्ट को हैंडल किया है, डोमेस्टिक टूरिस्ट को हैंडल किया है, क्लाइंट्स की बात करते हैं तो उनकी जो सर्विसेज जो डिमांड होते हैं किस तरह के होते हैं, क्या क्या फर्क होते हैं? अभी जैसे कि मान लीजिए इनबाउंड और ये डोमेस्टिक का बात कर रहे हैं, तो अरुणाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको ये पीएपी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट फॉर फॉरनर्स लगता है और आईएलपी लगता है फॉर द डोमेस्टिक गेस्ट। आईएलपी जो है मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि पीएपी है। अभी मान लीजिए जैसे मेरा फार्म का नाम है हॉलीडे स्काउट, अगर मैंने इधर उधर करके मतलब जो पीएपी है पीएपी में मैंने अगर थोड़ा भी माइनस प्लस कर दिया तो मेरा जो फार्म है वो ब्लैकलिस्ट हो सकता है, लेकिन जो डोमेस्टिक के साथ में वो मतलब इतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ पीएपी। तो जब भी हमारा जो इनबाउंड जो गेस्ट होता है जो फॉरनर्स होते हैं ना, तो उनको मतलब हम मतलब बच्चे की तरह देखते हैं उनको मतलब सुबह 5 बजे से लेके गाड़ी साफ होना चाहिए, मतलब नहीं जो प्रोफेशनलिज्म है उसको मतलब अच्छे से मेंटेन करते हुए एक गाइड हर टूर में देते हैं। अभी काफी सारा होता है टूर ऑपरेटर या फिर एजेंसी ऐसा भी है जो मतलब बिना गाइड का भेज देता है। अभी बिना गाइड का तो वो फिर देखेगा लेकिन समझेगा नहीं। और हमारा जो ये जो एरिया है, अब यहाँ पे मानता हूँ कि तवांग हो गया, मेचुका, आनिनी, दिस आर लाइक वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, आपको जहाँ पे देख के यू गेट टू नो हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज। लेकिन जो अलग बेल्ट है जैसे मान लीजिए आपका जो जीरो हो गया, आपका वाकरो हो गया ना, जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे तो आपको कोई समझाने के लिए चाहिए। जब तक आप जगह के बारे में समझोगे नहीं और प्रॉपरली मतलब ना उनका जो अटायर है, फूड हैबिट है, ये सब मतलब अच्छे से समझोगे नहीं, आप यू विल नॉट गेट द टोटल आइडिया ऑफ द एरिया ना। तो इसी बात में मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि फॉरेनर्स के साथ में हमारा पूरा गाइड होता है, सब कुछ अच्छा से होता है। इसका ये मतलब नहीं कि डोमेस्टिक के साथ में हम मतलब लूज छोड़ देते हैं, उनके साथ में भी जो हमारा जो ड्राइवर्स होते हैं, अभी हमारा जो हॉलीडे स्कॉट में जो ड्राइवर्स है दे आर ऑल वेरी प्रोफेशनल, और हमारा तो क्राइटेरिया यही कि उनका मतलब एक्सपीरियंस मिनिमम 10 ईयर्स एवअप होना है ड्राइवर्स का भी, क्योंकि वो ड्राइवर कम गाइड काम कर सकते हैं। और डोमेस्टिक को टू बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोमेस्टिक को टूर पैकेज चाहिए सस्ता में। मैं एकदम सस्ता वाला तो काम नहीं करता, लेकिन जितना में हो सके जो बेस्ट होगा उससे भी अच्छा और देने का हमेशा प्रयास करता हूँ।
तो जैसे अभी आप क्लाइंट से मिलते हैं, टूरिस्ट से मिलते हैं, डिफरेंट प्लेसेस के लोगों से मिलते हैं, तो आपने क्या सीखा है उन लोगों से मिलकर, टूरिस्ट से मिलकर, क्लाइंट से मिलकर? वैसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है जिंदगी में ना, क्योंकि छोटा सा ही मैं तो टूरिस्ट के साथ ही घूम घूम के ही मतलब बड़ा हुआ हूँ, तो काफी चीज सीखा है मैंने। अभी स्पेसिफिकली अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ये चीज है, लेकिन एज अ ह्यूमन और मतलब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, क्योंकि हमारे पास जब भी आते हैं जो हमारा जो जो गेस्ट है, ऑल दो टूरिज्म इज ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी, काफी सारा गेस्ट हमारा मतलब आई मीन दे आर वेरी हाई एंड गेस्ट, वो इतना पे करके आते हैं, लेकिन बट देन आई मीन दे आर नेचर ऑफ लाइक यू नो टॉकिंग आई मीन रेस्पेक्टिंग नॉट ओनली मी बट देन द नेटिव ऑफ द प्लेस विलेज एंड ऑल, वो सब चीज़ इतना एक हम्बलनेस जो है वो सब इतना दिल को छू जाता है ना, कि वो मतलब हमेशा फिर अभी दिल में रह चुका है। ऐसा नहीं है कि मतलब यू नो ये हमें रूट होना है एंड ऑल ना, तो जो हॉस्पिटलिटी में ऑब्वियसली हम्बलनेस तो होना है, पर हम्बलनेस के ऊपर में वो पूरा मतलब मल्टीप्लाई से मतलब नहीं कि हम मार्टो से मार के चला जाता है, कि हम और हम्बल हो, मैंने और हम्बल होना सीखा उनसे। जी, तो हम्बलनेस की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में आप पब्लिश हो चुके हैं, अपने बारे में पढ़ना कैसा लगता है? ये तो हमेशा एक्साइटमेंट की बात है, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इसके लिए भी थैंक यू वेरी मच, ऑल दो ये मेरा फर्स्ट रेडियो टॉक है, लेकिन हर दिन हम ग्रो कर रहे हैं, हर दिन हम सीख रहे हैं, तो आपके पास बैठ के भी मैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड और मैं सीख रहा हूँ आपसे भी बहुत कुछ। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सांगे सिरिंग सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव है, बहुत खुश दिखता है, तो आप रियल में बहुत हमेशा खुश रहते हैं? अरे अभी आई मीन रियल में हमेशा खुश, तो अभी लाइफ में तो अप डाउन होता है हर किसी के बारे में, लेकिन जी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरा मेरा जो बिजनेस ही और मेरा जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा पैशन ही था, और मैंने फेसबुक से और जो सोशल मीडिया से ही शुरू किया था, तो अभी मैं घूमते रहता हूँ जहाँ था मैंने जहाँ था ऐसे लग गेस्ट के साथ यहाँ वहाँ, तो कुछ भी होता है इंटरेस्टिंग वो मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो लोग आई मीन जो जो लोग हैं जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं या फिर इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं तो देखिए तो खुशी होते हैं। आई मीन मेरा तो मानना ये है कि मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ कि जो मुझे पसंद है। बहुत अच्छी बात कही आपने। फिर बात करते हैं आपके क्लाइंट्स की, अभी तक सबसे ज्यादा तकलीफ किस क्लाइंट को हैंडल करने में हुई है? एक है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ना कहानी, एक हमारे पास में एक कपल आया था, बोथ ऑफ देम देवर रिटायर्ड पर्सन, इसराइली थे वो एक कपल था, तो टूर जो हमारा जो टूर था वो था 14 डेज का, ये जीरो उसके बाद में ये तवांग बेल्ट था ईटानगर का, तो मैं गेस्ट था उसमें, सॉरी मैं गाइड था उसमें, आई कांट बी द गेस्ट ना, आई वाज अ गाइड देयर, ये 2015 का बात है, तो मैं उनको घुमा रहा था गुवाहाटी से, हमने पिकअप किया, हम गुवाहाटी से पिकअप करके बालपुंग की तरफ आ रहे थे। फर्स्ट दिन मैंने बहुत बात किया क्योंकि हमारा काम है जगह के बारे में समझाना है, तो फिर उन बोथ ऑफ देम दे वर लाइक ओके हाँ ठीक है, ओके हाँ ठीक है, तीन वर्ड यही था दिन भर। मैंने सोचा चलो कम बात करते हैं क्योंकि अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग आते हैं ना, तो फिर उसके बाद में चलो डे वन था ये, डे टू मैंने दिखाया हाँ ये भी ठीक है ओके हाँ यस ना, सेम तीन वर्ड था और फोटो खींचा, मतलब फोटो भी ऐसे मतलब आप मान लीजिए वाटरफॉल में गए एक फोटो खींचा, अभी वो कैसा है क्या नहीं है उनको भी नहीं पता, बस उन्होंने बोला चलो, मैंने भी बोला चलो ठीक है। थर्ड डे में तो मैंने भी सोचा कि अभी अभी इनको इंटरेस्ट ही नहीं था और क्या मैं भी क्या बोलूँ ना, तो मैंने भी कहा गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग सर, उन्होंने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, उसके बाद में फॉर द रेस्ट 8 to 8 days ना वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट में चला गया पूरा का पूरा टूर, इट वॉज अ साइलेंट ट्रिप। हम ये भी बोल सकते हैं मेमोरेबल रहा। हाँ वो हाँ आई मीन लोग आते हैं ना, आई मीन हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग आते हैं, जी तो जी ये भी एक हमारा मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था, तो जी जो मेरा जो ड्राइवर है वो हम अभी भी बात करते हैं कि ऐसा ट्रिप हमें कभी मिला ही नहीं, इट वाज अ क्वाइट आई मीन इट वाज अ साइलेंट टूर। आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश का जो टूरिज्म का सीनेरियो होगा कैसा होगा? काफी अच्छा होगा, पास जैसे था उससे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अभी हमारा जो टूरिज्म में अभी जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी सर प्लस हमारा जो जो डायरेक्टर टूरिज्म है दामो सर, बोथ ऑफ देम प्लस जो उनका जो स्टाफ है जैसे हमारा डिप्यूटी मन्ना मेरम है, दे आर ऑल वेरी हार्ड वर्किंग इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोमोटिंग टूरिज्म विद इन द विलेजेस, आप मान लीजिए होम स्टे से लेके गाइड से लेके जो टूर ऑपरेटर्स हो गया सभी को काफ़ी हेल्प करते हैं। और जैसे आपने पूछा कि प्रमोशन के बारे में ना, हमने जो है 2013 से ही जो ट्रेवल राइटर्स होते हैं ब्लॉगर्स होते हैं उनको लेके वो जगह जगह का प्रमोशन तो हमने भी किया है, और फ्यूचर में तो ऑब्वियसली जैसे मतलब जागरूकता बढ़ रहा है और अरुणाचल तो ऑब्वियसली हर किसी को पसंद है और हर किसी का एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। लेकिन सच्चाई ये भी कि जब हम अरुणाचल टूरिज्म की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग कुछ प्लेस को ही जानते हैं, टेक एन एग्जाम्पल तवांग बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि दिस आर ऑल बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, लोगों को जितना पता होगा और वो जितना मतलब सोशल मीडिया में देखेंगे लोग उतने ही आएंगे। अभी आपका तवांग जीरो हो गया ये तो आपका मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट में
इट्स अ पाई, हर किसी को खाना है वो ना, डेजर्ट है वो. आई मीन वो तो अभी आप हो ना हो नॉर्थ ईस्ट में गए तो तवांग जीरो ये सब तो करना ही करना है. अरुणाचल में तो आई मीन दिस टू आर द मेन अट्रैक्शन ना. लेकिन अभी अपकमिंग जैसे आपका अनिनी मेचुका ऑलरेडी आपका टूरिज्म मैप में है. अनिनी जो है उनका जो प्रमोशन है और रास्ता भी काफी अच्छा हो चुका है पहले जैसे था. पहले आप रोइंग टू अनिनी हमें लगा था 14 आवर्स, अभी सुनने में आ रहा है कि 9 आवर्स. तो आने वाला दिन में जो कनेक्टिविटी है वो और अच्छा होगा. तो ऑब्वियसली आपने कनेक्टिविटी की बात की, आजकल एयर कनेक्टिविटी भी हो गई, तो इससे टूरिस्ट फ्लो किस तरह का होगा? इट विल ऑलवेज एड ऑन ना, आई मीन एड ऑन एज इन लाइक एड द चार्म टू द प्लेस. जैसे अब जीरो में है, तेजू में अभी रिसेंटली एक और टर्मिनल बना है, तो तेजू में बना मतलब वो ऑब्वियसली आपका जो ईस्टर्न बेल्ट पे जो आपका नामसाई ये रोइंग तेजू और जो अनिनी है उसको और प्रमोट करेगा. अभी हमारा ये जो अभी जीरो म्यूजिक फेस्टिवल कुछ साल पहले हर किसी का मतलब मैक्सिमम ऑफ द पीपल उनका प्रॉब्लम था कि काफी दूर है. पहले जब ये हमारा जो नाहरलगुन का रेलवे स्टेशन वो नहीं था तो ईटानगर से लोग आके फिर आई मीन 14 आवर्स या फिर 15 आवर्स किसी को इतना दूर होता था. पर अभी आप डिब्रूगढ़ से डायरेक्ट ये जो छोटा वाला जो उनका जो प्लेन है ATR या कुछ है का, उससे आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं. तो कनेक्टिविटी ऑलवेज एड्स ऑन टू द चार्म प्लस इट इंक्रीजेस द टूरिज्म इन द पर्टिकुलर लोकेशन. जी, तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का कितना इम्पोर्टेंस है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अभी हमारा जो अरुणाचल पे ILP और PAP है, तो चलो हमने इन अ वे हमारा जो स्टेट को काफी सारे लोगों को लगेगा कि ये चीज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें मास टूरिज्म चाहिए. काफी सारों को लगता है कि ये अच्छा भी है. तो अभी सोचने की बात है कि आपको क्या चाहिए ना, मास टूरिज्म चाहिए कि आपको मतलब जो जैसे चल रहा है वैसे चाहिए. तो बिजनेस में देखा जाए तो आपको मास टूरिज्म से ही आपका मतलब ग्रोथ होगा. लेकिन जब ग्रोथ होगा तो आई मीन साइमल्टेनियसली आपका जगह को भी मतलब पोल्यूशन तो होना ही है. जैसे आप मान लीजिए अभी हिमाचल हो गया, मंडी हो गया है ना, शिमला एंड ऑल, वहाँ पे इतना सारा टूरिज्म है कि टूरिस्ट चाहते हैं कि वहाँ पे मतलब जो उनका जो आई मीन जो ग्रोथ होना चाहिए वो पूरा गंदगी में जा रहा है. प्लास्टिक हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स ना, लीक्स गंदे हो रहे हैं ना. तो हमारे यहाँ पे अभी तक जैसे मान लीजिए आपका ये GRK जो पासर में है वो काफी अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस और फिर विद इन अवेयरनेस जो लोकल लोगों को करा रहे हैं फैला रहे हैं ये नॉट ओनली इन टूरिज्म बट इन सफाई के मामले में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में. तो हमारा जो ये जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी काफी लोग कर रहे हैं लेकिन यूथ लोगों को अभी इतना पता नहीं है. तो इसमें मतलब और अभी जैसे हमने मैंने आपको कहा कि जो हमारा जो ग्रुप है आपतुआ वो उस पर और ज्वाइन करके अगर हमारे पास जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस होता है उस पर आके बात बात करके मतलब नहीं इसको कैसे करके और नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेके जाए रिस्पॉन्सिबल में, तो उसमें मतलब वो सभी अच्छा होगा. लास्ट ईयर 2022 तक तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग का जो टूरिस्ट सर्किट था वो नहीं खुला था, अब वो खुल गया. तो इससे ईस्टर्न अरुणाचल के जो टूरिज्म को किस तरह से बूस्ट मिलेगा? इससे तो आपको आई मीन ईस्टर्न अरुणाचल पहले बंद था, लेकिन जब बंद था फिर भी उस टाइम में जो हमारा जो फॉरेनर्स को लेके जो परमिट था अदर जो पार्ट में PAP लगता था और वहाँ पे जो है RAP लगता था. लेकिन अभी वहाँ पे PAP से ही हम जा सकते हैं. लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि वहाँ पे टूरिज्म से कैसे उनको बूस्ट मिलेगा ना, तो तिरप चांगला में जो ट्राइब है और जो कल्चर है उनका वो काफी रिच है. ऑल दो हाँ मैं मानता हूँ कि आई मीन दे आर वेरी मच सिमिलर नागा पीपल इन ऑल, लेकिन नागालैंड में क्या है कि आई मीन टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड देन द ओरिजिनल जो है वहाँ पे जो रियलिटी है नागा पीपल दे हैव कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी. तो उनका जो मेन जो ग्रास रूट जो है जो उनका जो जड़ है ना जो USP है वो मिसिंग है. वो एक दो जगह में ही आप देख सकते हो जैसे कि नॉर्थ नागालैंड में हो गया जो मॉन एरिया हो गया जहाँ पे हेट हंटर है, तो वो भी इनकमिंग ईयर्स वो भी नहीं रहेंगे बिकॉज ऑल द पीपल मैन दे आर ऑल 80-75+ इन ऑल. लेकिन अगर आप हमारे पार्ट पे देखते हो TLC बेल्ट पे तो ये जो चांप है वहाँ पे अभी भी है जो उनका जो ये वांगचो नोक्ते ये ना उनका जो तांगसा जो ट्राइब है उनका जो ऑथेंटिक विलेजेस है वो अभी भी बरकरार है. उनका जो फेस्टिवल्स है वो अभी भी वो लोग पूरा धूमधाम से मनाते हैं. तो इसको मतलब एक प्रॉपर चैनलाइज करके मार्केटिंग करके अगर डिपार्टमेंट हो गया या फिर अलग जैसे मेरा जैसे अलग टूर ऑपरेटर्स हो गए अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो इट ऑब्वियसली बी अ बिग एड ऑन टू द एंटायर स्टेट इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर टूरिज्म. जिस तरह सांगे सिरिंग ने एक अनकन्वेंशनल जो एक सर्विस बोले या एक फील्ड को लिया है उसी तरह दूसरे यूथ किस तरह से आए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स जितने भी कि कहते ना कि वो एक स्टीरियोटाइप है कि इसी लाइन पे जाना है एक पर्टिकुलर, लेकिन वो भी अब टूट रहा है. हाँ आई मीन टूट तो नहीं रहा लेकिन क्या है कि बात लोगों में जागरूकता तो और बढ़ रहा है. जी टूरिज्म तो एक फील्ड हो गया लेकिन आजकल लेटली आप काफी सारे यूथ को डिफरेंट जो इंडस्ट्री में जाते हुए देख रहे हो. तो उसमें मैं तो फिर से यही बोलूंगा कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. जब मैंने मेरे माँ को बोला था कि मुझे टूरिज्म करना है तो उनका भी
सेम था कि टूरिज्म ही क्यों करना है और नो आप गाइड करके क्या करोगे. नॉट ओनली माई मदर बट देन एंटायर फैमिली का ये सोच था, लेकिन आई वॉज लाइक यू नो कॉन्फिडेंट इनफ टू कन्विंस माई मदर. और उन्होंने बोला कि हाँ जाओ. तो आई मीन पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है ना वो जो मस्ट है, क्योंकि ये चीज़ में जो है नॉट ओनली इन टूरिज्म लेकिन आप जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आप बिजनेस करते हो अपना, वो ओवरनाइट टर्न नहीं होगा जैसे मैंने आपको कहा था. तो उसमें आपको स्ट्रगल तो आएगा. तो पेरेंट्स जिस मतलब जो आपको सपोर्ट देगा ना वही आपका बिगेस्ट फाउंडेशन होगा, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपका हार्ड वर्क तो वो रंग लाएगा ही. तो आपकी तरह जो कोई टूर ऑपरेटर बनना चाहता है या तो गाइड बनना चाहते हैं, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोविजन दिया गया है ताकि जिसको लेकर वो और आगे बढ़ सके? हाँ जी, ऐसा काफी सारा है. मान लीजिए जैसे कि मैंने तो क्लास 10 में मैं समझ गया था कि मुझे टूरिज्म करना है. तो सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट हो गया जिनको टूरिज्म के बारे में पढ़ना है या फिर टूरिज्म कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो जो डिपार्टमेंट के अंदर में SMSS का एक स्कीम है. सो आई माइट बी रॉन्ग इन द वर्ड्स नो. तो अगर वो डिपार्टमेंट में जाए तो फिर डिपार्टमेंट विल सपोर्ट देम, आई मीन हिम और हर, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन में. तो जाते जाते हमारे सुनने वालों को क्या कहें? आपने मुझे बुलाया यहाँ पे एज यंग एंटरप्रेन्योर, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स है उन सभी को बेस्ट विशेस. प्लस मैं एज एडवाइस मैं यही बताऊंगा कि प्लीज हैव पेशेंस एंड ट्राई टू बी हम्बल इन व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड यू विल अचीव योर गोल. तो संगे जी आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बारे में साथ ही साथ अरुणाचल टूरिज्म के बारे में और हॉलीडे स्काउट के बारे में इतनी सारी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 MHz है. अभी आप सुन रहे थे वीकली इन्फोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान. और आज की कड़ी में हमारे मेहमान थे अवार्ड विनिंग यंग एंड डायनामिक एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बॉमदिला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट श्री सांगे श्री. हम फिर हाजिर होंगे एक और नए मेहमान के साथ हमारे अगली कड़ी में. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.